खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी ने प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हो पाए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नारवणे और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल नेगी ने बताया कि पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन क्रेडिट्स ने शिरकत की। इनमें 333 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि अफगानिस्तान समेत 9 मित्र देशों को भी 90 सैन्य अधिकारी मिलेंगे। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the core commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control.